अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बन रहे हैं मिनी शोरमा और ये इतनी मज़े की और प्यारी रेसिपी है और बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और रमज़ानों के लिहाज से तो है ही है। सबसे पहले मैं ले लूँगी हाफ कप गरम वाटर, ये नीम गरम वाटर है, इतना कि मैं उंगली डाल रही हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके अंदर मैंने डाल दिए 1 टीस्पून शक्कर और 1 टीस्पून ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट। इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। ईस्ट हमारा अच्छे से मिल चुका है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है और 1 टेबल स्पून ऑयल डाले। इस बैटर को 2 कप मैदे में मैं शामिल कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और गूंदते जाएं। जैसे गूंद चुका है इससे क्या होता है, मैदे का ग्लूटेन भी बाहर आ जाता है और पीटा ब्रेड बहुत नरम सॉफ्ट अच्छी बनती है और देर तक नरम रहती है। प्याले को मैंने ग्रीस कर लिया है, ग्रीस करके ये मैंने आटा इसमें रख दिया है और मैं इसको तकरीबन आधे से 1 घंटा रेस्ट दूंगी। मिनी शोरमा बाइट्स के लिए मैंने चिकन ले लिए, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा जो है इसमें मैंने सिरका डाला है और थोड़ा सा जो है सोया सॉस। इसको पका लिए। अब मैं इसके अंदर सब्जियां चॉप हुई भी डाल दूंगी। तीनों कलर की ये कैप्सिकम है, तकरीबन आधी प्याली के करीब मैंने ले लिए। बंद गोभी है, आधी प्याली के करीब ले लिए। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और हमें ना सब्जियों को गलाना नहीं है, इसलिए मैंने चिकन पहले से ही पका ली थी। बस हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। हमारे डो में अच्छे से खमीर हो गए हैं।